सत्ता संपोषित अपराध की बात जब हम लोग करते हैं तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को बेचैनी होती है। नीतीश कुमार एक मौनी बाबा है, कुर्सी पसंद व्यक्ति है, मानजनक टिप्पणी करते हैं रामायण पर, कभी टिप्पणी करते हैं सैनिक पर, लेकिन आज उनके माले के लोग, आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग खुद धरना पर बैठ रहे हैं, खुद मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के कारण सब लोग की सरकार में फजीती हो रही है। हम अविलंब मांग करते हैं कि इस्तीफा दें और राष्ट्रपति शासन लागू हो, नया चुनाव हो। आईवीटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बंडवाल। बिहार विधानसभा का आज से बजट सत्र शुरू हो चुका है और ऐसे में विपक्ष बिहार सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर घेरने को तैयार है। एक तरफ जहां विपक्ष ये दावा कर रहा है कि बिहार में लगातार कानून व्यवस्था गिरती जा रही है, प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है और इसको लेकर बजट सत्र में बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। बिहार विधानसभा परिषद के बाहर बीजेपी के नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी के विधायकों ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और बिहार सरकार की देखरेख में जंगल राज फिर से लौटने की बातें कही है। इसको लेकर बीजेपी के विधायकों ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि जंगल राज फिर से रिटर्न हो चुका है। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तो वे खुद से स्पीडी ट्रायल आदि की बात करते थे, कानून व्यवस्था पर लगाम लगाने की हर वो पहल करते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की गोद में बैठ चुके हैं और जंगल राज में फिर से वापसी करवा रहे हैं बिहार की और बिहार सरकार में पूरी तरह से कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा चुकी है। इसको लेकर बीजेपी के विधायक रामसूरत राय के साथ साथ नितिन नवीन ने भी जमकर बिहार सरकार को घेरने का काम किया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के विधायक। इस बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आप सब लोग मीडिया के साथी भी देख रहे हैं और लोगों को दिखा भी रहे हैं कि जितनी हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुआ है, अपहरण हुआ है, लूट हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है। मेरे मुजफ्फरपुर के अंदर भी समस्या उठा है, समस्तीपुर में भी है, गोपालगंज में है, शराबबंदी को लेकर के है, तमाम विकास की बातें अब समाप्त हो चुकी है और इनके अधिकारी, इनके मंत्री, सभी तमाम लोग जिस तरह से देश हित की बात नहीं करके व्यक्ति हित की बात करते हैं, कभी अपमानजनक टिप्पणी करते हैं रामायण पर, कभी टिप्पणी करते हैं सैनिक पर, ये तमाम लोग बौखला गए हैं और ये लोग सरकार के योग्य नहीं है। निश्चित रूप से जनता सब देख रही है, बहुत जल्द इस पर राष्ट्रपति शासन लागू हो, हम लोग ये मांग करते हैं। सुधाकर सिंह ने फिर एक बार कहा है कि नीतीश कुमार परिवार क्या है प्रधानमंत्री को लेकर कि और वो कहा है कि बेहतर होगा कि राष्ट्रपति से दूसरा सरकार में ही रहकर राजवल्लभ यादव की जो पत्नी है विभा देवी वो तीन दिन से धरना पर बैठी है भ्रष्टाचार। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि विरोधी जब धरना प्रदर्शन करता है लोग कहते हैं विरोधी है, लेकिन आज उनके माले के लोग, आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग खुद धरना पर बैठ रहे हैं, खुद मांग कर रहे हैं। ये सरकार में जितने गठबंधन महागठबंधन के लोग हैं वो सब लोग असहज महसूस कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी के कारण सब लोग की सरकार में फजीती हो रही है। हम अविलंब मांग करते हैं कि इस्तीफा दें और राष्ट्रपति शासन लागू हो, नया चुनाव हो। बन गई है लूट, हत्या, बलात्कार, उस यूएसपी के खिलाफ हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और पूरी तरह से आज छात्रों पे रोजगार के बदले लाठियां चल रही हैं। तेजस्वी यादव जो कहते थे कि पहले हस्ताक्षर से लाखों नौकरी बांटेंगे वो रेवड़ी बांट कर रह गए और आज छात्रों पर लाठियां बरस रही हैं। ये सारे मुद्दे उठेंगे और जिस प्रकार से लगातार अपराध बढ़ा है और सत्ता संपोषित अपराध की बात जब हम लोग करते हैं तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को बेचैनी होती है। मैं पूछता हूं कि आज लगातार अपहरण हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और सरकार मौन बैठी है तो इसी को ना कहते हैं जंगल राज? जंगल राज जब कहते हैं तो बोलते हैं जनता का राज। जनता का राज में अपराध को नाकामी होती थी, अपराधों को लगाम लगाकर जेल के अंदर भेजा जाता है। नीतीश कुमार स्पिरिट ट्रायल की बात करते थे जब भाजपा के साथ थे, अब जंगल राज के साथ हैं तो मौनी बाबा बनकर बैठे हुए हैं और पूरी तरह से अपराध को संरक्षण दे रहे हैं और जंगल राज को वापसी कराने का काम किसी ने किया है तो नीतीश कुमार ने किया है और इस बात को लेकर सदन में पूरी तरह से हम लोग अगले पूरे सत्र में इन सारे विषयों को उठाएंगे। सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हैं वो नरेंद्र मोदी के मॉडिफाइड रूप हैं, इनको प्रधानमंत्री बनाने से बेहतर है देश में राष्ट्रपति। देखिए नीतीश कुमार अब कोई मॉडल नहीं बचे हैं। नीतीश कुमार एक मौनी बाबा हैं, कुर्सी पसंद व्यक्ति हैं और पूरी तरह से कुर्सी के अतिरिक्त उन्होंने अपनी सारी नीति, नियत और सब नैतिकता को कुर्बान कर दिया है।
इसलिए नीतीश कुमार की किसी भी व्यक्ति से कंपैरिजन जब की जाएगी तो वो हर व्यक्ति अपने आप को अपमानित महसूस करेगा। बजट सत्र का आज पहला दिन है और ऐसे में बीजेपी के विधायकों के द्वारा लगातार बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनकी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बिहार सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में लगातार इसको लेकर मांग किया जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन भी लागू हो जाए। बीजेपी के रामसूरत राय ने इसको लेकर मांग किया कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार से अब बिहार संभल नहीं रहा है। यहाँ लगातार जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, जिस तरीके से दिन दहाड़े लूट हत्या जैसे घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसे में बिहार सरकार पूरी तरह से विफल है। इस खबर में इतना ही, बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहें IVTV के साथ। धन्यवाद। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ टफकॉन XT के साथ।